कन्नड़ फिल्म कांतारा का जादू ऑडियंस के सर चढ़कर बोल रहा है। बॉक्स ऑफिस पर 36 दिन बिता चुकी ऋषभ शेट्टी की फिल्म अभी भी जोरदार कमाई कर रही है और नए रिकॉर्ड्स बनाती जा रही है। द कश्मीर फाइल्स और विक्रम जैसी बड़ी हिट्स को पीछे छोड़कर कांतारा ने इस साल की टॉप 5 फिल्मों में एंट्री मार ली है। कांतारा के लिए थिएटर्स में 6वें हफ्ते की शुरुआत भी दमदार रही और शुक्रवार के कलेक्शन के साथ ही फिल्म ने फिर से कुछ बड़े कमाल कर दिए हैं। 36वें दिन फिल्म का कलेक्शन 250 करोड़ के आंकड़ों को पार कर गया और अब जिस तरह से इसकी कमाई बढ़ रही है तो ये कहना गलत नहीं होगा कि कांतारा कई फिल्मों के रिकॉर्ड्स तोड़ने वाली है। शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म जवान पर तमिल फिल्म पेरारासु की कहानी कॉपी करने के आरोप लगे हैं। फिल्म निर्माता एटली के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार फिल्म निर्माता मणिकम नारायण ने जवान के निर्माता पर कहानी की नकल करने का आरोप लगाते हुए तमिल फिल्म प्रोड्यूसर्स काउंसलिंग TFPC में शिकायत दर्ज करवाई है। आपको बता दें कि जवान अगले साल जून में रिलीज होगी जिसकी फिलहाल शूटिंग चल रही है। एटली जवान से बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रहे हैं। फिल्म में तमिल अभिनेता नयनतारा, विजय सेतुपति, योगी बाबू और प्रिया मणि भी हैं। रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म में अभिनेता विजय और दीपिका पादुकोण भी कैमियो करते नजर आ सकते हैं। उर्वशी रोतेला इन दिनों काफी चर्चा में है, खासकर अपने सोशल मीडिया पोस्ट से फैंस का कुछ ज्यादा ही अटेंशन लेती दिख रही हैं। बहरहाल यहां आपको उनके प्रोफेशनल से जुड़ा एक अपडेट दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि अभिनेत्री को साउथ की फिल्म में काम करने का मौका मिलने जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उर्वशी साउथ के निर्देशक बॉबी कोहली की अपकमिंग एक्शन एंटरटेनमेंट वॉल्टर वेरिया में अपनी खास झलक दिखाती नजर आएंगी। आपको बता दें कि वॉल्टर वेरिया की लीड एक्ट्रेस श्रुति हसन है। पिछले कुछ दिनों से खबर आ रही थी कि कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा ने शादी की तारीख फिक्स कर ली है और सारी तैयारियां चोरी छिपे की जा रही हैं। दिसंबर में दोनों दुल्हा दुल्हन बनेंगे और बॉलीवुड का एक और कपल शादी के बंधन में बन जाएगा। हालांकि इन दोनों ने ही इन खबरों पर चुप्पी साध रखी है, लेकिन मीडिया की नजर से भला कहां कुछ छिप पाता है। अब इस कपल की वेडिंग अपडेट्स में एक और नया खुलासा हुआ है जो इनके वेडिंग वेन्यू से जुड़ा हुआ है। कहा जा रहा था कि दोनों दिल्ली में शादी करने वाले हैं, लेकिन लेटेस्ट अपडेट ये है कि शादी दिल्ली में नहीं बल्कि चंडीगढ़ में होने वाली है, वो भी वहाँ के 5-स्टार रिजॉर्ट में। खबरें हैं कि हाल ही में कियारा और सिद्धार्थ दोनों ने ही वेडिंग वेन्यू पहुंचकर सब फाइनल किया है और अब कपल की पसंद के मुताबिक सारी तैयारी की जाएगी। मेहता की तरफ से मजिस्ट्रेट अदालत में ओबेरॉय परिवार और उनकी कंपनी के खिलाफ समन जारी करने की मांग की थी। दिल्ली उच्च न्यायालय की तरफ से बॉलीवुड एक्ट्रेस विवेक ओबेरॉय और उनके पिता सुरेश ओबेरॉय को राहत मिल गई है। 2003 में एक एंटरटेनमेंट इवेंट कंपनी के साथ कथित रूप से हुए धोखाधड़ी करने के मामले में विवेक ओबेरॉय, उनके पिता सुरेश ओबेरॉय और उनकी दिल्ली की कंपनी यशी मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड को तलब करने की मांग से संबंधित याचिका को खारिज कर दिया गया है। न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने ये याचिका खारिज की है। इसके बाद कथित धोखाधड़ी केस में विवेक ओबेरॉय को राहत मिल चुकी है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।